हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। देखो, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5 में। ठीक है, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। चलो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टराइज। ठीक है, हमें फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या है, पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों को हमें फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, आपने आइडेंटिटी याद हो या ना याद हो कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन लगाते लगाते याद कर लोगे। देखो ये आपको एक्स क्यूब वाई क्यूब वाला कुछ नहीं लग रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला जो है आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखते थे, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आपका आता था एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बस अब इसमें ये दोनों फॉर्मूले के हिसाब से हमें आंसर निकाल लेना है। देखो कैसे करेंगे, जो पहला पार्ट हमारे पास दिया है 27y³ प्लस 25z³। 27 को अगर हम 3y लिखे, अगर हम इसका क्यूब करें 3 का, तो क्या आ जाएगा, 3 3 9 एंड 9 3 27, और y का क्यूब y क्यूब, यानी क्या आ गया, 27y³ आ गया। ठीक है, अब प्लस 125 में अगर हम 5z का होल क्यूब करें तो क्या आ जाएगा, 5 5 25 25 5 125। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा है x और ये हमारा है y। ठीक है, हमें एक्स वाई निकल आया। चलो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, x कितना निकला है हमारा 3y। ठीक है, और हमारा y कितना लिख रहा है, 5z। अब बस इस पे हमने इस पे रखना है, यहां पे इसकी वैल्यू पुट करते जाना है। ठीक है, फिर दूसरा ब्रैकेट है, तो यहां क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये y देखो स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का मतलब 5z का होल स्क्वायर माइनस x कितना है, 3y, y कितना है, 5z, ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व कर लो, 3y प्लस 5z, ये आ जाएगा 3 3 9y² ये आ जाएगा 5 5 25z², ये आ जाएगा 15 y z। तो हमारा ये आंसर आ गया, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, यही हमारा आंसर है। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पार्ट टू में। अब देखो पार्ट टू क्या लिखा हुआ है, 64m³ माइनस 343n³। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4m³, 4m³ का मतलब 4 4 16 एंड 16 4 64 माइनस 7n का होल क्यूब, 7 7 49 49 7 343, और n का क्यूब n क्यूब। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा x आ गया, ये हमारा y आ गया। ठीक है, तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये x है, यानी कि ये x क्यूब आया हमारे पास। ठीक है, और ये तो अंदर वाला ये पोर्शन x है और ये क्यूब रहेगा ऊपर का। ठीक है, तो आप समझ गए हो ना, अब कैसे इसको लिखेंगे, ये x माइनस y लिखना है, x कितना है 4m, y कितना है 7n। अब ये वाला ब्रैकेट लिखना है, एक्स स्क्वायर 4m का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 7n का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस लिखना है, और एक्स वाई कितना है, एक्स हमारा 4m है, वाई हमारा 7n है, ब्रैकेट बंद। अब इसको लिखेंगे 4m माइनस 7n, 4 4 16 m स्क्वायर प्लस 7 7 49 n स्क्वायर प्लस 7 4 28 m n, यही हमारा फाइनल आंसर है।
हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।